जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है यह है स्पेशली CPSI पर। CPSI की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि इसके किस प्रकार से पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया है, इसमें आपकी क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या इसका पेपर मैटर है, क्या इसका फिजिकल वगैरह मापदंड होते हैं, किस प्रकार से इसके फिजिकल के बाद में क्या अगला पेपर किस प्रकार से होता है, उसका मापदंड क्या है, उसका सिलेबस क्या है, इसका पूरा का पूरा आपको इस एक वीडियो में आपको मैं CPSI की पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो तक एंड तक बनी रहेगी। आप सभी को पता है कि CPSI की वैकेंसी आने वाली मार्च महीने में या मार्च के बाद में, क्योंकि SSC GD के साथ में ही CPSI की वैकेंसी चलती रहती है निरंतर। अब कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि CPO की वैकेंसी पिछली कंप्लीट नहीं होगी तब तक नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं 2019 की वैकेंसी भी चल रही है और 2020 की भी चल रही है। CPSI की वैकेंसी इस प्रकार से आती है कि मतलब वैकेंसी पिछली, ये नहीं कि पिछली वैकेंसी कंप्लीट होगी तभी आएगी, इस प्रकार से CPSI का पेपर या सॉरी वैकेंसी नहीं आती है। जैसे 2019 की वैकेंसी की अभी भी चल रहे हैं फाइनल पेपर और 2020 वाली की अभी फिजिकल चल रहे हैं, तो मतलब निरंतर इसमें इस प्रकार से चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि CPSI की वैकेंसी पहले ये दो कंप्लीट होगी फिर आएगी, ऐसा नहीं है। एक चलती रहेगी, उसका फर्स्ट सेकंड पेपर होगा, इसका फर्स्ट पेपर करा दिया जाएगा नई वैकेंसी का। इस प्रकार से ही CPSI के पेपर हमेशा चलते रहते हैं और कंटिन्यूटी बनी रहती है, हर साल में CPSI की वैकेंसी आती रहती है दोस्तों। तो इस बार जो CPSI की वैकेंसी आएगी उसके क्या क्या मापदंड होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आप SSC GD रेलवे और इनकी तैयारी करो तो इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, और सेकंड पेपर अगर आपका फर्स्ट पेपर में स्कोर अच्छा रहा तो सेकंड पेपर की आपको हल्की सी तैयारी करके आप CPSI फाइट कर सकते हो। तो आप सोचिए जिस फोर्स में आप एज ए कॉन्स्टेबल काम करना चाहोगे या एज ए सब इंस्पेक्टर, भाई तैयारी तो आपको मेहनत उतनी करनी है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, तो क्यों ना चांस लिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप पहली बात तो ये कि चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से अगर मेरे से नहीं जुड़े तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइए। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसका जो एज कैटेगरी है वो क्या है, इसका एज है सबसे पहले महत्वपूर्ण है एज। एज आपकी अगर 20 से 25 साल की एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये है कि अभी आपके प्रेजेंट टाइम में आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी आयु 20 साल से 25 साल है के बीच में, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप OBC से हो तो 20 से 28 साल, अगर आप SC ST में हो तो 20 से 30 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद में हम इसकी बात करें एजुकेशन की, तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप इसका फॉर्म कर सकते हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में तो भी इसका आप होम अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जब आती है नोटिफिकेशन से आगे का टाइम दिया जाता है कि इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो ग्रेजुएशन में हैं इस बार वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और जिन्होंने जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है इसके बारे में। सबसे पहले इसका होता है पेपर, फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या होता है, इसके फर्स्ट पेपर में इसमें चार सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। 50-50 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन हल करने रहते हैं और 50-50 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप सभी को मैं बता दूं कि आपको लगेगा कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट, लेकिन इसकी मेरिट भी उसी हिसाब से रहती है। मतलब अगर फर्स्ट पेपर में आप 130 के आसपास स्कोर करते हो तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है, यानी आप अगर 130 के आसपास ही क्वेश्चन अटेंड करके अगर अच्छा कर देते हो तो वो अच्छा स्कोर माना जाता है। इसके बाद में इसके अगले फेज में जो होता है वो होता है इसका फिजिकल। फिजिकल इसका थोड़ा सा टफ होता है। किस प्रकार से इसका फिजिकल होता है, लड़कियों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया उसके बारे में, लड़कों के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया। सबसे पहले आपकी फिजिकल में हाइट, लड़कों के लिए 170 सेमी इसकी हाइट होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 157 सेमी की हाइट होनी चाहिए। साथ में लड़कों को में कम से कम 55 केजी वेट होना चाहिए, लड़कियों में कम से कम 45 केजी वेट होना ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, इतना वेट होना चाहिए। इससे ऊपर आप ओवरवेट नहीं हो, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हाँ कम से कम इससे नीचे आपको अंडरवेट का पॉइंट मिल जाता है इसके फिजिकल में, यानी इतना वेट आपका पास में होना चाहिए। इसके बाद जो इसका फिजिकल में जो लड़कों के लिए सबसे पहले होता है, इसमें 100 मीटर की रनिंग आपको 16 सेकंड का समय दिया जाता है, उसमें 100 मीटर की रनिंग आपको करनी होती है। साथ में दूसरी होती है इसमें 1600 मीटर की रनिंग, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद में आपको 14 फीट का लॉन्ग जंप और 4 फीट अप जंप आपका होना चाहिए। लड़कियों के लिए इसमें 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में होती है, लड़कियों के लिए जो अप जंप होता है वो तीन फीट के आसपास होता है, और लॉन्ग जंप 9 फीट का होता है। लड़कियों के लिए इसका फिजिकल क्राइटेरिया, लड़कों के लिए आसान फिजिकल क्राइटेरिया, ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि इतना आसानी से जो SSC GD की आर्मी की या रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे इसको आसानी से कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये इसका फिजिकल इसमें शॉर्ट पुट भी होता है 4.5 मीटर का, वो भी होता है, लड़कियों के लिए 2.7 मीटर का होता है। तो उसके अलावा ये इसका पूरा फिजिकल जो पास करते हैं, उसके बाद में इसकी एक मेरिट बनती है, जो मेरिट में फिजिकल पास कर लेते हैं और फर्स्ट पेपर पास कर रहे हैं उसके आधार पर फिर सेकंड पेपर में आपको मौका मिलता है। सेकंड पेपर में दोस्तों इसका पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश का होता है, इसमें इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक होते हैं, इंग्लिश के पैसेज होते हैं, इंग्लिश के वोकेबलरी होती है, इंग्लिश के जैसे वन वर्ड हो गए, फ्रेज हो गई, एक्टिव हुई, स्पेसिव हुई, मतलब टोटल ग्रामर इंग्लिश की साथ में
उसकी वोकेबलरी जो होती है, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम, ये सभी के सभी, इसका एक पेपर होता है 200 नंबर का। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये पूरा 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, वही एक दो घंटे का आपको समय दिया जाता है, मतलब 120 मिनट का समय में आपको 200 क्वेश्चन कर लेने रहते हैं। लेकिन अगर आपने पहले पेपर में 130 कवर किया है स्कोर, और दूसरे पेपर में अगर आपने उतना स्कोर कवर किया तो आपका नंबर आसानी से आ जाता है इसमें, क्योंकि इसकी मेरिट टफ रहती है, क्योंकि समय की थोड़ी सी मार रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप इस एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हो दोस्तों, तो आप ज़रूर CPSI की तैयारी करिए आज से ही। कहने का मतलब है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें और CPSI भी अपने दिमाग में कर लीजिए, इसका क्राइटेरिया ये सब है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ बांध के चलिए कि मैं CPSI के लिए भी ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।